देखिए, मैं कहूँगा कि हाँ, 2 सितंबर 2022 को जब हम एक नया कमिटी चुनकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जिम्मेदारी हमें मिला, उसके बाद पिछले 1 साल में हमने बहुत सारे पॉलिसी चेंजिंग करा, बहुत सारे डिसीजन ली, बहुत सारे फॉरेन कोलैबोरेशन हमने करा। मैं समझता हूँ कि ये सारे जो है मिलकर के और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए आगे एक सही दिशा लेके आएगा। जैसा कि मान लीजिए फॉरेन प्लेयर की कमी हो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, जैसा कि संतोष ट्रॉफी को बाहर ले जाना हो, जैसा कि विजन 2047 लागू करना हो, जिसमें कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विषय हैं जो हमने कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हमने किस तरह से फुटबॉल को एक जॉइंट वेंचर के रूप से प्रदेश में लेके जा सकते हैं, वो हमने कोशिश किया। हमने एक एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 20-22 मैच नेशनल टीम खेले, वो भी हमने कोशिश करा। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि फैन देखना चाहता है कि नेशनल फुटबॉल टीम अधिक से अधिक मैच खेल रहा हो, और हमने उस बात पे पूरा ध्यान दिया। मैं समझता हूँ, देखिए, फुटबॉल का बहुत पोटेंशियल है हमारे देश में। हालांकि लोग कहते हैं कि भारत जो है क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, तो मैं कहता हूँ कि भारत क्रिकेट वॉचिंग नेशन है और फुटबॉल प्लेइंग नेशन है। यहाँ हर बच्चा यहाँ पे फुटबॉल खेलता है, और विश्व के 211 देश में फुटबॉल खेला जाता है, और भारत में जो सिग्निफिकेंट नंबर है, आप जब देखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भारत से है, इंग्लिश प्रीमियर लीग हो चाहे विदेश के किसी भी सक्सेसफुल लीग हो, उसकी टेलीविजन रेवेन्यू मैक्सिमम जो है भारत से आता है। इस बार दोहा कतार में जो स्टेडियम में अटेंडेंस थी, भारत की तरफ से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन जो है फीफा वर्ल्ड कप देखे हैं दोहा कतार में। किस स्थिति में भारत कैसे पीछे रह सकता है फुटबॉल में? लोग जो देखना चाहते हैं कि भारतीय टीम कितनी फुटबॉल मैच खेल रही है, वो देखना चाहते हैं। आपको ये जरूर जानकर खुशी होगी कि हमने मार्च से लेकर के 2022 के मार्च से लेकर के 2023 के मार्च से लेकर के 2024 के जनवरी तक ये देखे, हमने ट्राई नेशन कप खेला, वहाँ जीता इम्फॉल मणिपुर में, इंटर कॉन्टिनेंटल भुवनेश्वर में वो भी चैंपियन हुआ, साफ साफ जो है बेंगलोर में खेला, जिसपे 10.8 मिलियन लोग क्यूमुलेटिव नंबर्स जो है सोशल मीडिया में इस मैच को हाईलाइट्स देखे हैं। पाकिस्तान आकर के खेले, पहली बार हमने साफ रीजन के बाहर टीम कुवैत और लेबनान को लाया, ताकि साफ चैंपियनशिप की जो प्रिडिक्टेबलनेस उसकी ख़त्म की जा सके। हमने एशियन गेम्स में टीम भेज रहे हैं, 9 साल में पहली बार भेज रहे एशियन गेम्स, वो भी पुरुष और महिला दोनों टीम जा रही है। हमने यहाँ पे प्री वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग राउंड होगी, फिर हमने किंग्स कप थाईलैंड में खेल रहे हैं, मार्डे का, जो कि आप जानते हैं कि भारत के फुटबॉल के इतिहास में एक अहम भूमिका रहा मार्डे का कप की, तो मार्डे का मलेशियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट को मैंने एक अपना पर्सनल रिक्वेस्ट भेजा था कि दोबारा शुरू की जाए। 2013 के बाद मार्डे का फिर शुरू हुई और भारत को इस बार आमंत्रण मिला, तो मार्डे का खेला जाएगा। फिर दोहा में कतार में जो AFC कप होगी, आप सब मिलाकर के यदि देखते हैं तो कम से कम 22 से 24 मैच आपके नेशनल टीम जो हमें खेलने को देखने को मिलेगा, और ये मैं समझता हूँ कि फ़ैन के लिए सबसे खुशी की बात है, और एज ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मैं समझता हूँ कि ये करने में हम सफल रहे। मैं कहूँगा ब्लू कप्स जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के नाम देने का पीछे एक कारण है, क्योंकि हमारे सीनियर मेन टीम को ब्लू टाइगर और वीमेन टीम को ब्लू टाइग्रेस कहा जाता है, इसीलिए किड्स जो खेल रहे हैं उन्हें कब्स के रूप से हमने बुलाना पसंद किया। आपको ये भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ब्लू कप के साथों साथ हमने पिछले साल 31 अक्टूबर 2022 को मुंबई में फीफा प्रेसिडेंट मैं और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसे हम फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कहते हैं, जिस योजना के तहत हमने 1,40,000 स्कूलों में फुटबॉल पहुंचाएंगे, 11 लाख फुटबॉल, 11,50,000 फुटबॉल पहुंचेगी। अभी 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक हमने भुवनेश्वर, संबलपुर, बेंगलोर और नागपुर में
फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल के जो ट्रेनर्स हैं उन ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, कम से कम 300 ट्रेनर्स तैयार की जाएगी, वहाँ से फिर हर स्कूल में एक ट्रेनर दी जाएगी, यानी कि भारत के 140,000 स्कूलों में 140,000 फुटबॉल कोच बनाया जाएगा। जो नवोदय विद्यालय है इसके नोडल एजेंसी है, भारत सरकार की सहायता के माध्यम से हो रही है, और इस 140,000 स्कूल में कम से कम 30-35 बच्चे खेलेंगे हर एक स्कूल से, इस हिसाब से हम 26 करोड़ बच्चे तक पहुंचेंगे। मैं समझता हूं कि एक तरफ ब्लू कब्स, दूसरे तरफ फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल, ये जो दो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट आने वाले भविष्य में भारत के बच्चों को, जो कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो फुटबॉल खेल सके, जिसकी उम्र 6, 7, 8, 10 या 12 वर्ष की आयु हो, वो फुटबॉल खेल सके, खुशी के साथ फुटबॉल खेल सके, और आगे जा कर के या तो फुटबॉल को अपने जीविका के रूप से ले, अथवा फुटबॉल के माध्यम से एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिले, हमारा ये टारगेट रहेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो वीमेन फुटबॉल टीम है, वीमेन फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग करने के मामले में पुरुष टीम से आगे है, क्योंकि इनकी फीफा रैंकिंग जो है, एशिया रैंकिंग जो है, आज के तारीख में 11 है, और यदि हम थोड़ा सा अच्छा करें तो हम देख सकते हैं कि वीमेन टीम क्वालिफाई कर जाए। आप एक वरिष्ठ लोगों से जब भी पूछेंगे जो बरसों से फुटबॉल देखते हैं, दशकों से फुटबॉल देखते आ रहे हैं, वो कहेंगे कि भारत के फुटबॉल जो है 70 के दशक में, 80 के दशक में, 60 के दशक में बहुत अच्छा हुआ करता था, और इंटरनेशनली हम बहुत अच्छा करते थे उस समय, और धीरे धीरे हमने अच्छा करना हमारे घटता गया, और अब हम जिस तरह से वर्ल्ड कप के जो टॉप टीम्स खेलते हैं, भारत टॉप टीम में से जाने के लिए वहाँ पे अभी मेहनत करना पड़ता है, अभी हम वहाँ है नहीं। तो मैं समझता हूँ ये जो गैप है, ये गैप बना है। गैप क्यों बना है, यदि आप देखें 1950 में भारत को फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने की मौका मिली थी, लेकिन कारणवश, कोई भी कारणवश, भारत ने 1950 की जो ब्राज़ील में फुटबॉल वर्ल्ड कप होना था वहाँ नहीं जाने का निर्णय लिया था। उसके बाद से 1950 से लेकर के 1986 तक भारत और फीफा, इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं बना था। आप एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की डेवलपमेंट तभी संभव हो जब आप इंटरनेशनल बॉडी के साथ आपका संबंध अच्छा है, आप निरंतर उनके डेवलपमेंट के साथ जुड़े हो। लेकिन 1986 तक भारत ने उस तरह से फीफा के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, जिसके कारण एक वैक्यूम बना था, एक गैप बना था। उस गैप को अभी कम करने में हमें मेहनत करना पड़ रहा। मान लीजिए आप कहीं एक 400 मीटर्स की रिले रेस भाग रहे हैं, और कहीं किसी कारणवश आपके एथलीट गिर जाए, 10, 20 या 50 मीटर या एक लैप पीछे हो जाए, फिर वो जो भाग रहे दूसरे एथलीट के साथ, वो एक लैप पीछे भाग रहे दूसरे एथलीट के साथ। तो भारत के फुटबॉल के लिए जो गैप बना है 1950 से लेकर के 1986 तक, ये गैप हमें कम करना पड़ेगा। मैं महिला फुटबॉल के मामले में इसलिए थोड़ा कॉशस हूँ। क्यों कॉशस हूँ? अभी देखिए, बहुत सारे देश फुटबॉल शुरू नहीं किया महिला टीम के, लेकिन भारत ने शुरू किया। जिस तरह से पुरुष टीम भी बहुत सारे देश, एशियन देश से पहले भारत में पहले फुटबॉल खेला गया था, क्योंकि हम ब्रिटिश रूल में थे, लेकिन बाद में हम फिर उस टेम्पो के पीछे चले गए, हम उस गति के साथ नहीं जा पाए। तो महिला फुटबॉल में हम दोबारा वही गलती ना करें, हमारा डेवलपमेंट का बस छूट ना जाए, इसलिए हम महिला फुटबॉल के ऊपर विशेष दृष्टि देना चाहते हैं, ताकि आज जो एशिया के 11 रैंकिंग में है, कल वो 12, 15 या 18 में ना जाए, बल्कि 9, 7 या 5 में आ सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत के महिला फुटबॉल टीम को सभी उस सुविधाओं दी जाए जो भारत के पुरुष फुटबॉल टीम को भी दी जाती है, और मैं समझता हूँ कि पुरुष और महिला दोनों में संभावना है, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए महिला फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अच्छा करे, इसकी संभावना अधिक है। देखिए, मैं कहूँगा कि भारत के भिन्न 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 स्थानों में फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन आप यदि किसी को पूछेंगे वो आपको तुरंत जवाब देगा कि फुटबॉल बोले तो बंगाल, कोलकाता, गोवा, केरला, इसके बाहर भी फुटबॉल होता है, ऐसा आपको नहीं कहेंगे आमतौर पे। लेकिन यदि आप देखेंगे कि भारत के बहुत सारी जगह पे फुटबॉल होती है, कोल्हापुर में फुटबॉल होता है, कोकराझार में फुटबॉल होता है, कोहिमा में फुटबॉल होता है, आइजोल में फुटबॉल होता है, सब बहुत सारी जगह में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी फुटबॉल बहुत है, लेकिन क्या कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिस बेयरर्स ने कभी उन जगहों में गए नहीं, और हो सकता कि उनको जो सुविधाएँ देनी चाहिए थी वो दी नहीं गई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें जो डोमेस्टिक लीग, जिसकी जो जो
रिविजन की आवश्यकता है, इसकी जो सुधार की आवश्यकता है वो मैं समझता हूँ कि समान सुविधाएं, जब हम समान सुविधाएं दें उसकी आवश्यकता है। दूसरा, मान लीजिए आप फॉरेन प्लेयर्स जब लाते हैं, हर टीम में दो स्ट्राइकर, मान लीजिए दो फॉरेनर दो स्ट्राइकर हैं, दो अफ्रीकन खेलते हैं, आपको शायद देखने में अच्छा लगता हो या आपके टीम को जीतने की संभावना अधिक होता है, लेकिन मान लीजिए यदि सभी जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेन स्ट्राइकर ला देते हैं, इसके मतलब आपने अपने देश के जो स्ट्राइकर हैं, जो आपके जो देशी हैं, उन उसके लिए जगह बंद है, तो फिर देन आप बोलते हैं कि नेशनल टीम में जब स्कोरर नहीं है, फिर आप बोलते हैं कि आपके फुटबॉलर की स्टैंडर्ड उतनी अच्छी नहीं है, स्ट्राइकिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने उनके जहाँ तैयार होने की जगह थी, जहाँ मान लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट लीग स्टेट लीग खेल के आना था या जबकि स्टेट टूर्नामेंट खेल के आना था, वहाँ अपने उसके खेलने का रास्ता बंद करके रखा। उसका भारतीय स्ट्राइकर बोले तो रिजर्व बेंच पे बैठना, और खेलने वाला कोई भी चाहे ब्राज़ील से हो, नाइजीरिया से हो, घाना से हो। मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपने खिलाड़ियों को, अपने लोगों को एक एक इवन चांस नहीं देंगे, जब तक उसको अवसर नहीं मिलेगा, तब तक वो टॉप लेवल में नहीं खेल पाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक लीग को सुधार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टॉप लेवल है, लाइक ISL हुआ, आई लीग वन हुआ, ये मेरिट पे हो, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर भी खेले और फॉरेन प्लेयर भी खेले। लेकिन आई लीग वन के नीचे जो कि आई लीग टू और देश के अन्य टूर्नामेंट जितने हैं, या तो स्टेट की लीग जो है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय खिलाड़ी खेलें, ताकि वहाँ वो गलती करे, अपनी गलतियों को सुधारे और फिर वहीं से वो पॉलिश होकर अच्छा प्लेयर बन के अपने मेरिट से ऊपर जाए। तो मैं समझता हूँ ये हमारा ये जो एक नया सुधार है, जो कि फॉरेन प्लेयर को बंद करना डोमेस्टिक लीग में, स्टेट लीग में, ये आगे चल के मैं समझता हूँ बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों को उभरने का अवसर देगा। देखिए, मैं कहूँगा कि 140 करोड़ देश की आबादी में, 140 करोड़ आबादी के देश में हम रहते हैं, और वहाँ एक नहीं अनेक खेलों की संभावना है। तो मैं समझता हूँ जैसा कि भारत में क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं, फुटबॉल बहुत लोग देखते हैं, बैडमिंटन, रेसलिंग, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग देखते हैं, शूटिंग, आर्चरी, उसी तरह फुटसॉल, बीच सकर के भी संभावना है, अपार संभावना है। फुटसॉल एक ऐसा है, देखिए कबड्डी की तरह है, जैसा कि कबड्डी एक इंडोर स्टेडियम में, एक एयर कंडीशन एटमोसफियर में, जहाँ की एक कंट्रोल टेम्परेचर में जहाँ मैच होता है, तो वहाँ टेलीविजन फ्रेंडली एक एम्बियंस है। मैं समझता हूँ कि फुटसॉल में वो सारी संभावनाएं हैं, जिस तरह से कबड्डी आज भारत के टेलीविजन दुनिया में TRP रैंकिंग में अच्छा किया है, बहुत सारे युवाएँ जो हैं कबड्डी खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ उसी तरह कि फुटसॉल भी खेलेंगे। फुटसॉल एक फैमिली स्पोर्ट है, जैसा कि हमारे देश में मान लीजिए आप वेदर के चलते साल के हर समय बाहर जाकर के जो आउटडोर स्पोर्ट है वो देखने की आनंद नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कोई फैमिली आए 40 मिनट्स का एक मैच देखें और अपने बच्चों के साथ लाए, कुछ रिफ्रेशमेंट लें और मैच देख के घर जाएं, ये टेलीविज़न के लिए अच्छा है। एक सिटीज़ के जो मान लीजिए Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लिए अच्छा है, जहाँ इंटरटेनमेंट की संभावना कम हो, और एक नया अवसर की भी बात है, जो बच्चे मान लीजिए फुटबॉल में अपना करियर नहीं बना पा रहे और लेकिन उनकी छोटा जगह में खेलने की स्किल अपार है, तो फिर वो फुटसॉल खेल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फुटसॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसकी मैं समझता हूँ कि आगे स्कोप बढ़ने की संभावना है, और इसके साथ हम ये भी कोशिश करेंगे, जैसा कि मान लीजिए कोस्टल बेल्ट है हमारा, 36 अभी लद्दाख को लेकर के 37 जो है मेंबर एसोसिएशंस हैं, लेकिन भारत के जो जियोग्राफी है हर प्रदेश अलग है, तो मैं समझता हूँ कि इस विशाल देश में अनेक स्पोर्ट खेलने की जो संभावना है, फुटबॉल, फुटसॉल, बीच सकर, तो हम मान लेते हैं जो फुटबॉल जो मेन है, जो हमारे ट्रेडिशनल जिस प्रदेशों में खेला जाता है वो हम फुटबॉल करते हैं, जहाँ मान लीजिए हमें ग्राउंड की कमी है, कोई भी कारणवश ग्राउंड की कमी है, मिट्टी लाल मिट्टी है, पथरीला मिट्टी है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम वो फुटसॉल कर सकते हैं कि कोई छोटा सा एक इंडोर स्टेडियम ले लें और वहाँ फिर बच्चों को हम जोड़ें। फिर मान लीजिए हम जो कोस्टल बेल्ट में जाते हैं, कोस्टल बेल्ट में जहाँ फुटबॉल मैदान नहीं है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, आपके विशाखापट्टनम हो गया, गोवा,
केरला की एक बेल्ट है, इस तरह की जो कोस्टल बेल्ट है उस कोस्टल बेल्ट में द्वारका है गुजरात में, सूरत है, वहाँ मान लीजिए हम यदि बीच सॉकर को प्रमोट करें तो देखा जाए कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यदि सही तरीके से काम कर सकता है तो इस फेडरेशन के माध्यम से बहुत सारे भारत के पुरुष और महिला फुटबॉल, फुटसॉल और बीच सॉकर के माध्यम से अपने जीविका निभा सकते हैं और देश के लिए भी वो गौरव लाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ये कहूँगा कि पिछले एक साल में हमने पूरा प्रयास किया भारत के फुटबॉल को किस तरह से आगे लिया जाए और किस तरह से खिलाड़ियों को अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ दी जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एकोमोडेशन, चाहे वो लॉजिस्टिक की सुविधाएं हो, चाहे वो लीग कैलेंडर की फिक्सचर हो, चाहे वो बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो, सारे विषय को देखते हुए हमने ये कोशिश किया कि किस तरह से भारत के फुटबॉल को आगे जाने के लिए हमारा प्रयास क्या होगी। हमने इसके साथ साथ फीफा और AFC के साथ अच्छा संबंध बनाया, हमने हमारे जो एशियन नेबर्स हैं कतार, सऊदी, जहाँ पर एशिया कप, वर्ल्ड कप इस तरह के इवेंट हुआ या होने जा रहा है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या सोच है, उस सोच से हमने शिक्षा ली किस तरह से फीफा के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होती है, उसका लाभ उठाया हमने। तो मैं ये कहूँगा कि भारत के फुटबॉल को पसंद करने वाले भारत फुटबॉल के सभी फैन, आप सभी का इस पे सहयोग चाहिए, सहायता चाहिए, हम सब साथ मिल करके किस तरह से भारत के फुटबॉल को आगे ले जा सकते हैं।